हेलो गाइस, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आप सोच रहे होंगे दीपक भाई कहाँ पे हो। अभी समय हो गया है, कितना हुआ है हमारे समय समय है ये कहाँ से चलेगा भैया, फोन ही नहीं चल रहा है, उल्टा है। 1:11 रात का देख पा रहे हो, मैं हूँ एक किसी गाँव में, मुझे खुद नहीं पता ये कौन सा गाँव है। गूगल भैया हमें जहाँ लेकर जा रहे थे, हम चलाते गए गाड़ी, मैप एप्पल का मैप है, उसके बाद एक गांव में लाकर फंसा दिया है जहाँ पे इतनी पतली सड़कें और कच्ची सड़कें। तो मैं इस गांव में ही रुक गया हूँ और यहाँ से कोई आ भी रहे हैं शायद, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो भाई एक तरह से कहा जाए तो हम लोग घूम चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जैसलमेर। और शौक में अपनी गाड़ी लेकर आ गया। हमारे भाई साहब समझा रहे थे कि भैया ड्राइवर लेकर जाओ या कैब लेकर जाओ, अपनी गाड़ी मत लेकर जाओ, थक जाओगे। बट नहीं, लुधियाना से यहाँ चलाकर लेकर आएंगे। 14 घंटे का रास्ता था, 14-15 घंटे का। 5 घंटे की ड्राइविंग में ऐसी की तैसी फिर गई है। 5 क्यों, और ज्यादा ही हो गया ना, 8 बजे से 1 बज रहा है। 8, 4, 12, हाँ 5 घंटे हुआ है। तो 5 घंटे की ड्राइविंग करके बुरा हाल है, बैठे बैठे ही एक जगह पे। ये सोच रहा हूँ यही गाँव में सो जाएंगे, सुबह उठूंगा तो यहाँ के जो लोग होंगे वो थोड़ा सा गाइड कर देंगे भैया कहाँ जाए हम और कैसे जाए। चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए ध्यान रखिए। तो गाइस यहाँ पे 4 बज चुका है और हम निकल चुके हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए और पूरे खेतों से, ये आप देख पा रहे हो। तो देखते हैं कब तक पहुँचे, 4:34 हो गया है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो देखते हैं कब तक पहुँचेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, हनुमानगढ़ निकलते हैं या कहाँ निकलते हैं, मौके पर पता लगेगा। गाइस फाइनली अभी हमने माइक वगैरह लगाया नहीं है और फाइनली हम काफ़ी सफ़र कर दिए हैं। गाड़ी यहाँ पर अपनी खड़ी है, देख लो भाई। और यहाँ पे अनु पूरा नींद में एकदम फुल ऑन मज़े, क्योंकि यहाँ पे सोया हुआ है। तो बस अभी जितना सफ़र किया है उतना ही करना है, 500 किलोमीटर भी और जाना है और लेकर चलते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको भी। तो वैसे मौसम और व्यू देखो, अब शानदार लग रहा है ना, सुबह सुबह का समय। वो यहाँ पे सूरज चंदा मामा जा रहे हैं, सूरज मामा आएंगे। तो गाइस फाइनली बहुत सारा घूमने के बाद हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखो भाई सब बच्चे लोग बैठे हुए हैं। कौन से स्कूल में हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो? सातवीं। नौवीं में? तू नौवीं पढ़ता है और तू साथ में? भाई छोटा, ये तो छोटा लग रहा है, तू बड़े लग रहे हो। नहीं साथ में पढ़ता है। अच्छा भी साथ में पढ़ता है। अच्छा तुम लोग आओगे, व्लॉग चैनल है हमारा IFW व्लॉग्स, चेक करना। तो फाइनली अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, 1 घंटे का। इतना ज़्यादा चलाने के बाद थोड़ा सा हमने इसको खोल दिया है कि थोड़ा हवा हुआ लग गया यार, पूरा आग हुआ पड़ा है, आग पूरा टेम्परेचर। ये क्या कर रही थी? अच्छा लग रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हम आ चुके हैं, बाहर आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली यहाँ पे रहने का है। ये हमारा रूम सामने, नानी का रूम, मतलब मेरी मदर इन लॉ का रूम। कौन सा है, कौन सा है? 8 है। तो খোল या सो वॉशरूम से रूम टूर देता हूँ। यहाँ पे मैग्नीफायर ग्लास जो कि आप देख पा रहे हो, पता नहीं आपको दिख रहा कि नहीं, बट मैं बहुत बड़ा दिख रहा हूँ इसमें। बहुत अच्छा। लॉक क्यों, चाबी काट लियो? ओके। तो ये है, हम लोग सब अपना रूम छोड़ के नानी के रूम में, मतलब मदर इन लॉ के रूम में घुस गए हैं।
ये है यहाँ पे सोना चांदी रखने के लिए, ये आउटसाइड के लिए जगह है शायद। यहाँ पे एक छोटा सा विंडो सा है, और फाइनली दिस इज द रूम। भाई साहब ये है रूम, काफी अच्छा है और काफी प्यारा बनाया हुआ है। रेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय से पे वेरी करता है। अभी जैसे हमने जब लिया है तो विद ब्रेकफास्ट हमारा दो रूम पड़े हैं 20,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए पर रूम। तो वैसे जैसा टाइम रहेगा, जैसा सीजन रहेगा, वैसे रूम का प्राइस बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी जैसलमेर आपको घुमाऊंगा दिखाऊंगा, मजा बहुत आएगा क्या। हाँ तो ये यहाँ पे टूट पड़ी है, कुछ छोड़ दिया कर। हाँ दोनों चॉकलेट कहाँ गए, नानी खा ली चॉकलेट। नहीं तो फाइनली ये है पूल एरिया, और यहाँ पे युवान बैठ गया है, अभी गुगु आएगा, और अभी गुगु नहीं आएगा। देखो आपके लिए ट्यूब भी है वहाँ पे। सो फाइनली अभी जस्ट पूरा फ्रेश हुआ भाई, बहुत तबीयत खराब लग रहा था, गुगु ने दवाई दिया। आपने दवाई दिया ना पापा को, अभी युवान ने ऑर्डर किया। युवान आपने क्या ऑर्डर किया है, क्या है ठीक से बोलो क्या है ये। पैनकेक। ओके रुक जा, बैठो 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 बैठो, मैं कर रहा हूँ, बैठो मैं सर्व कर रहा हूँ। ओके सो युवान ये खाएगा, देख लो भाई। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज है हमारा दूसरा दिन जैसलमेर में, और भाई ये दूसरा दिन ही पहला दिन रहेगा। कल बहुत तबीयत खराब थी और आज भी तबीयत खराब है, आवाज़ से आप मेरे समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रहा है मेरा। तो चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करके, फिर सैम जाएंगे, सैम ड्यूस जो है वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ करने का है। कैमल राइड तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं। सैम और मैं लेट गया हूं, आप देख पा रहे हो यहां पे एसी है, सुकर है, और ये कुछ इस तरह का एक हाउस है, और यहां पे एक टेंट टाइप का है, टेंट है ना, टेंट टाइप का है एक, और मच्छर मच्छर भी है भैया यहां पे, बाहर से दिखाता हूं आपको। तो गाइस यहां पे हम आ चुके हैं हमारे रिजॉर्ट में, और फुल ऑन गर्मी है भाई। युवान क्या हुआ, गर्म है पानी में? क्या हुआ, जल तो नोंगड़ा मा पूरा पूरा नोंगड़ा, की बोल छू तू, सुस पे ना जाओ जंप करो, जल तुम नोंगड़ा मा, स्विमिंग करो, मा छोड़ दो। अच्छा चलो उधर, क्या हुआ, देख कोई बात नहीं, पापा यहाँ पे है। युवान एंजॉय कर रहा है स्विमिंग पूल में। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रिजॉर्ट जहां पे हमें रुकना था, सैम में, यहां पे नानी जुबान सब देखो एंजॉय कर रहे हैं पूरा। ये यहां पे छोटे छोटे आप देख पा रहे हो टेंट्स हैं, ये भी टेंट्स हैं, तो इस तरह के टेंट में हम लोग रुके हुए हैं। टेंट कह सकते हैं, कॉटेज कह सकते हैं, कॉटेज है काइंड ऑफ। तो अनु भी अभी आ रही है यहीं पर। तो फाइनली आ गया है समय राइड का, और राइड इन द सेंस की गेदर सफारी, और यहाँ पे हम ले चुके हैं हमारी थार काली कलर की, रेड ब्लैक कलर की, और युवान आ गया है। युवान चलो मैं भी चलता हूँ, बसो मैं बसो देखो Thank you.
लोग अभी बाइक पे बैठे। क्या नाम भाई आपका? अनु कैसा लगा? क्या नाम है आपका? अब्बास। फोटो लेते हैं। हाँ, सो गाइस फाइनली यहाँ पे जवान देखो। चलो आ जाओ, चलो बैठो, गाड़ी बैठो, गाड़ी बैठो। ये बैठे हैं ऊंट पर, ये गुगु हमारे साथ है। तो अभी यहाँ पे ये पैरा मोटर करने जा रहे हैं भाई। युवान आप जाओगे इसमें? बच्चे को ले सकता हूँ ना साथ में? बच्चा नहीं जाएगा, नहीं, नहीं, बच्चा नहीं जाएगा। तू जाएगी? नहीं, तो पहले करके उसको बोलो। भाई काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद तैयार हो गया है, हम लोग उड़ने के लिए तैयार है। हाँ कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं भैया। चलो कल कर। सो गाइस हवा तेज रहने की वजह से हम आपको सीधा लेके आके कर देंगे। ठीक ठीक है। महफिल लग चुका है। युवान आ जाओ, युवान कपड़े चेंज करके आते, आ जाओ यहाँ से। आओ युवान, आओ जल्दी आ जाओ, सीट है नहीं यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ इस बार। क्यों क्यों बता दूं? जा ले, हो जाओ। तुम याद आते हो,
हमने ये वाला ब्लॉग जो बनाना है ये थोड़ा सा अलग लेवल का ब्लॉग होगा। तो फाइनली बहुत ज़्यादा बाहर घूमने के बाद आ चुके हैं अपने टेंट में और युवान को देख लो भाई यहाँ पे कार्टून में लगा हुआ है। बचपन में ये कार्टून देखा करता था और हम लोग यहाँ पर बस अब आराम ही करना है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं टेंट में अपने हैं। और यहाँ पे अनु लगी हुई है अपने फ़ोन में, नानी यानी कि मेरी मदर इन लॉ सो चुकी हैं। और फाइनली आज के ब्लॉग को एंड करेंगे, मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग में।